जय नमोस्तु। तत्तम च नन्दयानन्दिमा शेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्धशोभा गुरुवे शिवगुपतिरुई गुपतिन्यानसहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम जो तौ जिनवर अर्थ ति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना जी ग्रंथराज जी मंगलाचरण ओम ओवन ओवन विंद विंद भवनम विज्ञानम विनियम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यम् शुद्धम च शुद्धात्मनम् उवनमे उवन स्वभावे मनस्य ममलम् मै मूर्ति ज्ञानम् ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरम् च सूर्यम् सुन्नम् सहावम् सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। चलिए सभी एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः वंशिद्ध नमो जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद् जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी आध्यात्मिक आत्म अनुभूति से भरा हुआ स्वामी के अनुभव से अपने को सहज मोक्ष का मार्ग दर्शाने वाला और सहज जीव को अपने अंतर का बोध कराने वाला यह अद्भुत ग्रंथ श्री 24 थाना जी ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी ने एक एक भव्य जीव के अंतर में आत्म क्रांति का विगुल बजाया है और कर्णानी योग के इस अद्भुत विषय से जीव को बताया है कि तेरे परिणामों की जो दशा है ये तेरे परिणामों की दशा ही तुझे ऊपर उठाएगी और ये तेरे परिणामों की दशा ही तुझे नीचे गिराएगी, लेकिन परिणामों के बीच में तेरा अभिप्राय कैसा हो बस ये बात समझना है। तो जी दो फोटो खोलना है आपको, एक इसके पहले वाला और एक ये और इसके बाद थर्ड तीसरा, क्योंकि अपन 24 स्थानों का एक स्पष्ट वांछन करके अगली गाथा की ओर चले। जस्ट इसके पहले वाला और उसके जस्ट बाद छः नंबर के जस्ट बाद 7 नंबर, बस उसके बाद 8 नंबर पर चलते हैं अपन। आप सभी उपयोग लगाइए फोटो दी राय फोटो, अब पद से अपन अर्थ कर लें तो 24 स्थानों के नाम पूरे हो जाएंगे अपने। हाँ ये लो फोटो जो आपने अभी दिखा रहे थे ना ऊपर, इसका 6 नंबर का डीपी ठीक है, विशेष अर्थ नहीं दीदी, फोटो ऊपर पद अर्थ हाँ और ऊपर, अरे हाँ ये ही बस। चलिए चलिए अपन में आते हैं 6 नंबर, इसके बाद 7 नंबर में कंटिन्यू, इसके बाद चलते हैं अपन 8 नंबर गाथा में। देखिए बहुत अच्छे से बहुत सरलता से
अपन पद का अर्थ कर रहे हैं सिर्फ सूत्र अपन कर चुके हैं 2 दिन में। उत्पन्न देखो बहुत अच्छे से उत्पन्न हुए गति इंद्रिकाय योग वेद संसार के कारण है। उत्पन्न कसाय से दृष्टि मोड़ो, ध्यान रखना, ममल ज्ञान ही तारण है। दर्शन संयम लेश्या भव्यत, सहज बात है, दर्शन संयम लेश्या भव्यत पिकटे विभाव विला जाए सभी। सम्यक्त सहकार से ममल स्वभाव सेनी के होए असेनी के नहीं। बहुत सरल सी बात है कि जीव 4 गतियों में, काय में, योग में, वेद में, इन सबके कारण से संसार में दुख भोग रहा है, इन कसायों को उत्पन्न कर रहा है, लेकिन आज जरूरत है इनसे दृष्टि हटाने की, क्योंकि ममल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही तरण विमान अंतर का वो प्रकट होगा भैया। और जहाँ तरण विमान प्रकट होगा वहाँ जीव की मुक्ति होगी। सम्यक दर्शन, सम्यक संयम, शुभलेशाओं सहित यदि कोई जीव अपनी भव्यता को प्रकट करे तो उसके विभाव परिणाम उत्पन्न होना अपने आप बिला जाएंगे भाई। इसलिए हे भव्य आत्मा, सारी चिंताओं को छोड़ के क्या करो, सम्यक सहकार से ममल स्वभाव, यह सम्यक स्वभाव के सहकार से अपने ममल स्वभाव को जागृत करो। ये श्रेणी पंचेंद्रीय पर्याय में ही अपना ममल स्वभाव प्रकट होगा, असेनी पर्याय में मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवात्मा अपने शयन स्वभाव में लीन हो जाओ, स्वभाव में ठहरो और मुक्ति को प्राप्त करो भैया। ये छोटी सी बात थी, कार्थ नंबर 7 दीदी, ये छोटी सी बात थी भैया कि इतनी सी बात यदि अपने को समझ में आए तो अपना जीव सहज मुक्ति को प्राप्त कर सकता। चलिए कल अपन गाथा नंबर 7 का वाचन कर चुके हैं, एक बार रिवीजन। आहार गुण स्थान जीव समास, देखो अच्छे से ये सब नाम याद होने चाहिए अपने को, आप चाहे पद में याद करें चाहे आप बेसे याद करें। आहार गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति ममल ज्ञान के ना होते संग। चलिए क्या कह रहा है ये, आहार गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति ममल ज्ञान के न होते संग। प्राण संज्ञा उपयोग ध्यान की चपलता ही कर्मों में रमण। चेतन ध्यान से पंच पद वैभव स्वयं जाति कुल अनंत प्रकटे। व्यक्त ममल से तप को संजो कर स्वयं 24 स्थान तजे। क्या कहना चाह रहे हैं भैया, पूर्ण रूप से क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ, यहाँ श्री बात क्या कह रहे हैं आचार्य, यहाँ ये कह रहे हैं कि इन स्थान से मुक्त होगा जीव आत्मा। आहार गुण स्थान जीव समास भैया और पर्याप्ति, ये संयोगी अवस्था है। अपन ने कल समझा आहार दशा हो, 14 गुणस्थान में कोई सा भी गुण स्थान हो, अरिहंत भगवान भी संसारी कहला रहा है। जीव समास, इन जीव समास में जीव कोई से भी स्थान में खोजा जाए, चाहे वो निगोद में खोजा जाए, वो पर्याप्त में खोजा जाए, अपर्याप्तक में खोजा जाए, ये सारा का सारा जितना भी संयोग दिख रहा है भैया, ये सब संसार संयोग है भैया। और जब तक जीव इन संयोगों में उलझा हुआ है तब तक ममल ज्ञान के ना होते संग, जब तक जीव इन अशुद्ध भाव में उलझा है तब तक उसे ममल स्वभाव का संग नहीं मिला भाई। क्या रखना, जिन जीवों को स्वानुभव में ममल स्वभाव प्रकट हो गया है उनका संसार से परिभ्रमण छूट गया है, उनकी संसार की रुचि छूट गई है। क्यों? क्योंकि संसार जीव के अंदर है। इसलिए तारण स्वामी कह रहा है कि इन सबके संग में रहोगे, अर्थात इन बाहर के विभाव परिणाम में उलझे रहोगे तो कभी भी इन 24 स्थान के परिभ्रमण से नहीं छूट पाओगे। इसलिए क्या करो भगवान जी, अपने ममल ज्ञान स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करो। प्राण संज्ञा उपयोग ध्यान, देखो भैया 10 व्यवहार प्राण भी अपन ने पढ़े, 4 संज्ञाएं पढ़ी, उपयोग पढ़ा, ध्यान पढ़ा, इन सबकी चपलता ही कर्मों के आश्रय व कारण है। कर्मों में जब तक जीव भ्रमण कर रहा है
चार प्रकार की संज्ञाओं से दुखी हो रहा है, दस प्रकार के प्राण में रमण कर रहा है, ये उपयोग पर भाव में लगा हुआ है, चंचल चित्त चित्तवन होके आत्मरोध ध्यान कर रहा है जीव। जब तक ऐसा व्यवहार कर रहा है तब तक जीव कर्मों को आश्रय ग्रहण करके कर्मों के आश्रय भाव से निरंतर कर्मों का बंध कर रहा है, ये कर्मों में रमण है। इसलिए हे भव्यात्मा, चैतन्य ध्यान से पंचपद वैभव, हे जीवात्मा, यदि तुम्हें अपने अंतर में चैतन्य आत्मा का अनुभव हो जाए, चैतन्य ज्ञान में सत्ता को यदि तुम स्वीकार कर लो, तो पंचपद, ये पंचपद भी प्रकट हो जाएंगी। अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय, ये पांचों पद प्रकट हो जाएंगे भाई, पंच परमेष्टी पद प्रकट हो जाएंगे। पंच अर्थ की साधना करो तो पंचम ज्ञान में आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान शक्ति प्रकट हो जाएगी भाई। कब? जब मन वचन काय की चपलता को छोड़ के योग आदि संयोग से अपना उपयोग हटा के चेतन ध्यान से पंच परम पद अर्थात अपने आत्म वैभव का चिंतन करोगे तो क्या होगा, ये सारी चपलता ये सारा ज्ञान विलायमान हो जाएगा भैया। इसलिए हे भव्य आत्मा, स्व जाति, कैसी जाति मेरी, स्व कुल कौन सा कुल है मेरा, एक बार इसका विचार करो कि मेरी आत्मा की जाति क्या है। जो इंद्रियों को जीते वो जैन, मेरी जाति जिनेन्द्र पद है, जितेंद्री पद है। कुल क्या है मेरा, पद सिद्धों का कुल है, शाश्वत सिद्ध कुल का स्वामी हूँ मैं, अनंत पिकटे, ये अपने आप पिकटेगा भैया। कब? जब अपन अपने अनंत चतुष्टय में चैतन्य स्वभाव का ध्यान करेंगे, धर्म ध्यान में रत होंगे, तो स्वजाति और स्वकुल का बोध जागेगा भगवान जी। और आचार्य देव कह रहे हैं भैया, गुरुदेव क्या 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 कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, अब क्या करो, व्यक्त करो, क्या करो, व्यक्त ममल स्वभाव से तप को संजो कर, अर्थात अपने ममल स्वभाव के ध्यान को व्यक्त करो, अपने ममल स्वभाव की साधना को व्यक्त करो और तप को, अंतर तप की साधना करो, तो क्या होगा, ये 24 थाना जी ग्रंथ में जो 24 स्थानों से मुक्त होने की देशना आचार्य श्री मज्जन तारण स्वामी ने कही है, वो देशना अपने को स्वानुभव रूप सिद्ध हो जाएगी भाई। देखिए 24 स्थानों के अपन ने वर्णन बहुत संक्षेप में सुना, आगे जैसे जैसे इनका वर्णन आएगा अपन इन्हें बहुत विस्तार में भी सुनेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं, हाँ लेकिन विस्तार में भी सुनेंगे। लेकिन बात इतनी सी है कि अपने अंतर में अपने स्वभाव को स्वीकार करके ममल अर्थात शुद्ध उपयोग में ठहरने का नाम ही तप है भैया। ऐसे शुद्ध भाव का संजो तो, शुद्ध भाव को अपनी रुचि में जगाओ तो, और भैया जब शुद्ध भाव को अपनी रुचि में जगाओगे तो 24 थाना जी ग्रंथ क्या कहेगा भैया आपसे, कि ऐसे ममल स्वभाव की भावना से सम्यक तप प्रकट होगा और सम्यक तप से कर्मों की निजरा होगी। इसका नाम 24 थाना भैया, कि जीव सारे कर्मों को निजरित करके और अपने 24 स्थान परिभ्रमण से मुक्त हो जाए, इसका नाम आध्यात्मिक थाना जो तारण स्वामी ने लिखा है, ये इसका अभिप्राय है। तो भैया अपन ने इन दो गाथाओं को समझा, समझने का अभ्यास किया और जितना समझ में आया भैया उतने अपने तत्व का विचार भी किया। अब अपन चलते हैं कार्य का नंबर 8 की ओर। देखिए भाई ग्रंथ आगे बढ़ता जा रहा है और किसी को लग रहा होगा भैया बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, किसी को लग रहा होगा कि भैया बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जिसको जो भी लग रहा है, जिसको फास्ट लग रहा है, वो अपना चिंतन बढ़ाए, इस ग्रंथ को दो दो बार तीन तीन बार खुद पढ़ें, खुद सुने। और जैसे लग रहा है भैया बहुत क्या बोलते हैं स्लो चल रहा है, उनसे कह रहे हैं भैया वो अपने ध्यान में जल्दी से लीन हो जाए तो 24 थाना उनके अंदर से प्रकट हो जाए। तो गुरु महाराज की बात क्या भैया, विषय स्वयं के छायिक स्वभाव में रमण करो। इस कारिका में क्या विषय है, क्या कहना चाह रहे गुरु महाराज, कि हे भव स्वयं के छायिक स्वभाव में रमण करो, मुक्ति में विलास करो। अरे देखो तो अपना अनंत चतुष्टय में ममल स्वभाव का स्वानुभव यही सभी कर्मों का नाश करने वाला है भाई। इसलिए हे भव्य आत्मा, ज्ञान स्वभाव का उपभोग करो, ज्ञान स्वभाव का उपभोग करने पर ही इंद्रिय विषयों का उपभोग बुलाएगा, अरे सारे दुखों का परिभ्रमण होना छूट जाएगा। तुम एक बार अंतर अनुभव से सम्यक ज्ञान के सूर्य को उदित करो, यही जनन भगवान का उपदेश है भाई। बार बार सम्यक ज्ञान की महिमा है भाई, ज्ञानम च ज्ञानम सुरम,
ज्ञान में होके अपने ज्ञान स्वभाव की सुरत तो रखो, अज्ञान में होके अज्ञान भाव में लगे रहोगे तो संसार में भटकोगे भैया। कल रात की चर्चा याद है कि नहीं है, ज्ञान और अज्ञान का क्या भेद बताया था कि जीव आत्मा यदि परभाव में एकत्व बुद्धि, परभाव में कर्तत्व बुद्धि, परभाव में ममत्व बुद्धि है, यदि पर पर्याय से तुम्हारा ज्ञान जुड़ा हुआ है तो अज्ञान, और ये चलने वाले परिणमन राग भाव, देश भाव, कर्तत्व भाव, भुक्तत्व भाव, इन पर भाव से तुम्हारा ज्ञान भिन्न जान रहा है अपने आप को, पर परिणमन से अपने आप को यदि अपना ज्ञान अपने को भिन्न जान रहा है तो ज्ञान। तो ज्ञान अज्ञान की परिभाषा कितनी सरल है भैया, यदि अपना ज्ञान पर भाव से एक में अपने आप को जान रहा है तो अज्ञान, और यदि अपने ही ज्ञान पर भाव से भिन्न अपने आप को जान रहा है तो ज्ञान, एक में जान रहा है तो अज्ञान, भिन्न जान रहा है तो ज्ञान। अरे एक में जानेगा तो संसार, पर भाव में एकत्व बुद्धि करके जानेगा तो संसार, और पर भाव से मैं आत्मा भिन्न हूं भिन्नत्व होकर जानेगा तो मुक्ति। इतनी सी बात है भैया, ये छोटी सी बात अपने अनुभव का विषय बने, ये सीधी सच्ची तारण स्वामी की बात अपने जीवन में ग्रहण हो जाए तो तारण स्वामी के सारे ग्रंथ अपने आत्म अनुभूति का विषय बनेंगे भैया। चलिए इतनी संक्षेप की बात लेके हम चलते हैं गुरुदेव की अमृतवाणी की ओर। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, उत्पन्नम तम क्षिपति मुक्ति रमनम ज्ञानम चा उभनम सुरम। उत्पन्नम तम ज्ञान नंत ममलम उत्पन्नम कम बिलम भुक्तम ज्ञान विशेष नंत ममलम भुक्तस कमम बिलम। बहुत अद्भुत बात है, संसारे सरियम विंद विलियम विनंद विलियम सॉरी विनंद दा बना के उन्होंने ऐसा लिखा। चलिए संसार सरियम विनंद विलियम ज्ञानम चा ज्ञानम सुरम। क्या कहना चाह रहे हैं भैया तारण स्वामी, एक एक शब्द मिलाओ और आपको मोक्षमर हथेली भी दिखाई देगा यदि आपने इस गाथा को तारण स्वामी के अनुभव से ले लिया, हाथ पर रखा हुआ दिखाई देगा कि मोक्षमर कैसे कहते हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं उत्पन्नम तम क्षिपति, पहली बात तो एक बात स्वीकार करो भाई, आत्मा की ना उत्पत्ति है ना क्षिपति है। उत्पन्नम तम, ना तुम उत्पन्न होते क्षिपति, ना तुम्हारा नाश होता भाई। पहले सबसे पहले ये स्वीकार करो भैया कि तुम वो अजर अमर अविनाशी ज्ञान में वीतराग चेतन तत्व के स्वामी हो, तुम वो अभेद शाश्वत सत्ता के मालिक हो, तुम वो ज्ञान घन पिंड हो भगवान आत्मा, तुम्हारी वो अचल सत्ता है जो शरीर के जन्म लेने पर भी जन्म नहीं लेती और जो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। और शरीर के तो छोड़ो, जो एक एक समय के जो भाव पर्याय चल रहे हैं, जो एक एक समय के भाव पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, उन भाव पर्याय के उत्पन्न होने पे भी जिस सत्ता का उदय नहीं होता और उन भाव पर्याय के बिला जाने के बाद भी उस सत्ता का नष्ट नहीं होता। अरे ये तो छोड़ो, जो एक एक समय के ज्ञान के गे बन रहा है, उन गे के रहने पे भी वो गे है तो वो मेरा ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो गे बिला जाए तो मेरा ज्ञान बिला जाए, भैया ऐसी कोई बात नहीं। अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं, अरे हमारी छोड़ो, तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है कि ये चलने वाली पर्याय और चलने वाला परिणमन आपके सामने रहे या ना रहे, लेकिन आपका आत्मा रहेगा, पहले ये स्वीकार कर लो। झटका तो नहीं लगता कहीं, ये पुत्र परिवार घर मकान दुकान सब क्षण भंगुर है भाई, राग देश आदि विकारी भाव सब क्षण भंगुर है। अरे ये तो छोड़ो, तुम्हारे सामने गे बन रहा है पर पदार्थ, जिसके जिसमें तुम्हारा ज्ञान उलझा हुआ है, तो माना इन गे के कारण मेरा ज्ञान है, यदि इन गेयों को नहीं जानता होता तो मेरा ज्ञान कहाँ से आता। अरे ये सारे गे भी बिला जाए, गे तो बदल ही रहे हैं उसके बाद भी, लेकिन भगवान जी एक एक समय की पर्याय के मिटने के काल के में भी मेरा ज्ञान शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है, ना उत्पत्ति ना क्षिपति, ना मेरे आत्मा मेरे ज्ञान स्वभाव की ना उत्पत्ति है ना क्षिपति है,
अरे भगवान आत्मा ये सब तो छोड़ो, यदि एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होके चली भी जाए तो मेरी आत्मा का ना आदि है ना अंत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम सम्यक दर्शन की पर्याय भी छोड़ दो, अरे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भी आ जाए, केवल ज्ञान की पर्याय भी उत्पन्न होके विला जाए, इस केवल ज्ञान की अनंत पर्याय के उत्पन्न होने विलाने के बाद भी मेरी आत्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता भैया। क्यों नहीं अंतर नहीं पड़ता? क्योंकि आत्मा क्या कह रहे हैं भैया, उत्पत्ति और खपत्ति के सारे भेद से अलग है भैया। तो फिर कैसा भैया, उत्पन्न तम खपति। अरे तुम्हें यदि कुछ उत्पन्न करना है तो अपने क्षायिक स्वभाव को मुक्ति रमणम, मुक्त मुक्त स्वभाव में रमणता को उत्पन्न करो, तो क्या होगा, ये सारे संसार के सारे विकल्प अपने आप भाग जाएंगे, सब छे हो जाएंगे भैया। देखो ध्यान रखना, तारण स्वामी की बात मानना, उत्पन्नतम खेपति। कहना भगवान जी एक बात सुन लो, ना जन्म लोगे ना मरण करोगे, ना जन्म मरण नहीं करेंगे। कहना बिल्कुल नहीं करोगे भाई। क्यों क्यों नहीं करेंगे भगवान जी जन्म मरण? क्योंकि जीव का स्वभाव ही नहीं है। तो फिर ये अनादिकाल से जन्म मरण चल रहा है, कहले अज्ञान बुद्धि का फल है। हमने पहले आपसे चर्चा करी थी कि पर पर्याय में एकत्र करना अज्ञान, और चलती हुई पर पर्याय में पर चलती हुई पर पर्याय परिणाम क्षणमंगुर है, और मैं आत्मा इससे भिन्न ऐसा बोध होने का नाम ज्ञान है। तो भाई बात क्या हुई, मार्के की बात क्या हुई, कायदे की बात क्या हुई? कायदे की बात ये हुई कि ना जन्म लेगा ये जीव, ना जन्मा है और ना कभी मृतम, ना कभी मृत्यु को प्राप्त करेगा, अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। तो फिर संसार है क्या, कहना झूठी माया। तो क्या करें, अपने इच्छाएक भाव को, अपनी अद्वितीय अद्भुत आत्मसत्ता को प्रकट करो। कैसे? मुक्ति रमणम। अरे सहज मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ, मेरा आत्मा तो इस जन्म मरण के बंधन से परे शाश्वत मुक्त स्वभाव ही है, ऐसा स्वीकार करके हे जीवात्मा मुक्ति में रमण करो ना। क्यों कर्म बंध में अपना जीवन नष्ट कर रहा है भगवान? इस बात को स्वीकार करने का बल चाहिए, इतना अंतर आत्मा का बल, इतना गहरा आत्मा का बल चाहिए, इतनी गहरी आत्मा की साधना चाहिए, इतना गहरी आत्मा की महिमा चाहिए। क्या चाहिए कि ना उत्पत्ति ना खपति, मैं तो शुद्ध नारायण शुद्धो, मैं तो शुद्ध ज्ञान में आत्मा ही हूं। इस बात को स्वीकार करो, मुक्ति रमणम। क्या होगा, सहज मुक्ति में रमण होने लगेगा भाई। देखो भैया बार बार कहते हैं कर्म बंध जीव की दुर्बुद्धि की उपज है। कर्म बंध काय से भैया, कर्म बंध जीव की दुर्बुद्धि का ही उपज है। कर्मों के जितने ही बंध है ना, वो जीव की दुर्बुद्धि की क्या बोलते हैं, जीव में दुर्बुद्धि होने के कारण से ये सारे कर्म बंध है भैया। यथार्थ में सत्य क्या है भैया, यथार्थ सत्य बोलना। यथार्थ सत्य तो ये है, आत्मा कभी बंधता ही नहीं था, बंधता ही नहीं है और कभी बंधेगा भी नहीं। इतना यदि बोध हो जाए कि जन्म मरण के बंधन में बंधने वाला मैं आत्मा नहीं हूँ, उत्पत्ति खपति से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो शुद्ध छायिक भाव से मुक्त स्वभावी आत्मा हूँ रवनम। यदि ऐसे आत्म स्वभाव में रमणता का भाव, ऐसे आत्म स्वभाव में ही मेरा निरंतर आचरण है, ऐसा आत्मा मेरे अंतर निरंतर है, ऐसी यदि स्मृति जीव को आ जाए, सुबुद्धि का जागरण हो जाए, तो आज जीव मुक्त है, आज जीव सिद्ध है और आज जीव मोक्ष मार्ग को प्रकट कर सकता है। आज कल की बात ही नहीं। गुरु महाराज कहना आपको तो मुक्ति के अलावा कुछ और दिखाई देता है? कहना एक बात बता भैया, जिसको जिस चीज की रुचि है उसे वही तो दिखाई देता है। एक कामी को कहीं भी देखो, चाहे वो माँ को देखे, बहन को देखे, किसी को भी देखे, जो कामी होगा ना उसके लिए सब स्त्रियों में कामी दिखाई देगा। एक व्यसनी को, जो व्यसनी मतलब जो एक शराबी को कहीं भी देखो आप 24 घंटे, शराब के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा भाई। जिस जीव को जिस वस्तु का व्यसन है उसे उस व्यसन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा भाई। जिसको जिस वस्तु का व्यसन है उसको वही का वही दिखाई देगा, बिल्कुल वही का वही दिखाई देगा। ऐसे ही तारण स्वामी शुद्ध वीतरागी संत है,
उनकी चारित्र रमणता में उनको अंतर आत्मा की इतनी प्रियता है, उन्हें यदि कहें हमारी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें कहें तो उन्हें आत्म स्वभाव में रमणता का व्यसन है। व्यसन शब्द दिया इसलिए अभद्र भाषा का ही, व्यसन मतलब लत, आदत। आदत मतलब अरे आत्मा तो त्रिकाली आनंद स्वभाव है, उन्हें तो उनके अंतर में वीतरागता के अलावा और कुछ है नहीं, उनके अंतर में शाश्वत स्वभाव के अलावा कुछ नहीं है। मतलब अच्छे शब्दों में कहें तो उन्हें मुक्त स्वभाव की इतनी लगन है, इतनी लगन है, इतनी लगन है, इतनी लगन है, उन्हें क्षणमंगुर उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली पर्याय दिखाई नहीं दे रही। क्या दिखाई दे रहा है? अपना छायक अभेद स्वभाव, उसमें रमणता ही दिखाई दे रही है। अब बताओ भैया, उत्पत्ति खिपत्ति से उन्होंने अपना संबंध तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति वाला और क्षय होने वाला, जिसकी उत्पत्ति हुई उसका क्षय निश्चित है, पर्याय की उत्पत्ति होती है और पर्याय का क्षय निश्चित है। तो उत्पन्न होने वाली क्षय होने वाली कहने लगे इससे पर्याय से हमें लेने देना नहीं है। तो कहने आपको किससे लेना देना है? तो कहने त्रिकाल ध्रुव, जो मुक्त स्वभाव है जिसमें चेतन आत्मा निरंतर रति कर रहा है, कहने हमारा संबंध उस मुक्त आत्मा से है, इसलिए हम इन क्षणभंगुर पर्याय की ओर देखते नहीं है। कहने गुरु देखते नहीं आप? कहने बिल्कुल नहीं देखते। भैया गुरु महाराज हमसे क्या कह रहे हैं आप कि बेटा तुम भी मत देखो तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। अपने से कह रहा है कि भव्य आत्मा तुम ऐसी अद्भुत बात को सुन के इन क्षणभंगुर पर्यायों में अपना जो उपयोग लगा हुआ है, इस उपयोग को इन क्षणभंगुर पर्याय की नाना प्रकार की प्रवृत्ति से हटाओ और परम भाव में प्रकाशित अपने आत्म तत्व को देखो भैया। उत्पन्नम तम खिपति मुक्ति रमनम रवनम। तो क्या करना है? इसी में आत्म स्वभाव में आचरण करने की बिल्कुल अंतर भावना को बनाओ भैया अपने लिए। इससे क्या होगा भैया? देखो सरल कर दे रहे, यदि हम आत्म स्वभाव में रमणता की भावना भाएंगे तो क्या होगा? ज्ञानम च उमनम सुरम। अरे स्वयं अनंत ज्ञान का प्रकाश अपने में उत्पन्न हो जाएगा, जो स्वयं सूर्य समान अनंत ज्ञान स्वभाव है। भैया ऐसे ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता हो जाएगी भैया। गुरुमाज कह रहे हैं ज्ञानम च उमनम सुरम। अरे आत्मज्ञान के सम्यक ज्ञान के बल से स्वयं सूर्य सम प्रकाशित अपने इस आत्म स्वभाव को स्वानुभूति में जगाओ ना। अपने आप को कायर मानते हो, नपुंसक मानते हो अपने आप को। कहाँ नपुंसक मानते हो? जहां पुरुषार्थ होता है वहां। कहाँ पुरुषार्थ होता है? मैं ज्ञायक रह सकता हूँ, मैं ज्ञाता भाव में रह सकता हूँ, मैं शुद्धात्म तत्व की अनुभूति कर सकता हूँ, अभी मुझ में मेरा अनंत गुण में परिणमन चल रहा है। यहाँ अपने आप को कायर मानते हो, यहाँ नपुंसक मानते हो। कहाँ? कि मुझे अपने स्वभाव की वर्तना इस समय है, मैं अपने स्वभाव का अनुभव इस समय कर सकता हूँ। यहाँ अपने आप को नपुंसक मानते हो। और जहाँ नपुंसक हो अर्थात जहाँ कायरता है, मतलब पर का परिणमन एक द्रव दूसरे द्रव का परिणमन कर ही नहीं सकता, ये उत्पन्न होने वाली और क्षणमंगुर नाश होने वाली इन पर्याय में जीव कुछ कर ही नहीं सकता, इनका त्रिकालवर्ती उत्पन्न होना और क्षय होना अपनी योग्यता पर निश्चित है, तो इनका मेरा जीव एक पल मात्र के लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ कर्ता बनते हो, यहाँ भोक्ता बनते हो, यहाँ कर्ता बुद्धि फंसाते हो, यहाँ दुनियादारी के प्रपंच लगाते हो, यहाँ अपना ज्ञान बगाड़ते हो संसारी जीवों में, संसारी जीवों के साथ अपना ज्ञान बगाड़ते हो, उत्पन्न और नष्ट होने वाली पर्याय में अपना ज्ञान बगाड़ते हो। जबकि बार बार कह रहा है पर पर्याय में दृष्टि होने का नाम अज्ञान है, और जहाँ तुम्हारा अद्भुत ज्ञायक स्वभाव है ज्ञानम चा, कह रहा है ज्ञानम चा, अरे जहाँ तुम्हारा अद्वितीय सम्यक ज्ञान में स्वभाव है, अद्भुत सम्यक ज्ञान में स्वभाव है, अलौकिक अभूतपूर्व ज्ञान में जहाँ तुम्हारी चेतना है ज्ञानम चा उमनम सुरम, वहाँ अपने ज्ञान में स्वभाव की सूरत प्रकट नहीं करते, वहाँ अपने प्रकाशवान तत्व को नहीं देखते, वहाँ करोड़ों 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 सूर्यों से भी ज्यादा अधिक प्रकाशमान अपनी वीतराग शक्ति को नहीं देखते। जहाँ तुम्हारा बना बनाया काम है वहाँ तुम आलस कर रहे हो, है ना, और जहाँ लाते जूते पड़ रहे हैं पर्याय में, फिर जन्म फिर मरण, फिर स्त्री पर्याय, फिर पुरुष पर्याय, फिर नपुंसक पर्याय, या फिर एक इंद्री, फिर दो इंद्री, फिर तीन इंद्री, फिर चार इंद्री, फिर नर्क, फिर निगोद, जहाँ निरंतर आत्मा का घात हो रहा है, जहाँ निरंतर आत्मा कष्ट को भोग रही है, जहाँ निरंतर आत्मा अपनी आत्मा का पतन कर रही है, वहाँ तुम अपनी गदगंगा कर रहे हो कर्मों में एकमेक होके, गदगंगा कर रहे हो मतलब इन अचेत भाव में जड़ भाव में एकमेक होके अपने आप को दुर्गति की ओर ले जा रहे हो। और जहाँ ज्ञान का सूर्य प्रकाशमान है,
जिस ज्ञान के बल से तुम अपने चैतन्य भाव को, अपनी वीतरागता को प्रकाशित कर सकते हो। महा कह रहा भैया, आत्मा तो मिलती नहीं, आत्मा का अनुभव तो होते ही नहीं, आत्मा देखिएगा कोई नहीं, होते कि नहीं होते पहले जा बताओ। हमने तो देखी भैया, आत्मा जन्म लेते हैं और आत्मा मर जाते हैं, एक एक समय की पर्याय में आत्मा मर रही है, एक ही समय की पर्याय में आत्मा जन्म मरण कर रही है। कहने लगा हम का कल ले भैया, जहां हो सकता है, जहां कर सकते हो वहां ऐसे हो जाते हैं जैसे कि भैया कछु दम ही नहीं है, और जहां संसार में एक एक पत्ता नहीं हिला सकते भगवान जी, एक तिनका नहीं हिला सकते। तो महा इतने समझदार सुबुद्धिमान और इतने अपने आप को होशियार समझते हो कि पूरी दुनियादारी का काम हम ही कर रहे हैं भैया। अरे पागल जीवात्मा, इसकी सजा ऐसी है निगोद जाना पड़ेगा। मिथ्या मानता की सजा ऐसी है कि निगोद जाएगा जीव। भैया मानत तो नहीं करना पड़ा थे, ऐसा जो कह रहा है उनके लिए है कि भगवान जी झूठ मत बोलो, यदि तुम मानते नहीं तो तुम्हारे अंदर इतनी कसाई नहीं भड़कती, कोई काम बिगड़ता तो तुम्हें इतना द्वेष नहीं होता, कोई काम यदि बाहर में बदल जाता तो तुम्हें इतना राग नहीं होता, तुम्हें मन में विकार भाव नहीं चलते, तो फिर तुम्हें निरंतर आत्म तत्व की सुरत रहती, यदि तुम नहीं मानते होते तो। एक समय के लिए आत्मा नहीं भूलते, लेकिन कर्ता भोक्ता मान के मिथ्या मान्यताओं का पोषण कर रहे हो और फिर कह रहे हो क्या भैया, भैया हम तो आत्मा है, आत्मा भैया आत्मा है, आत्मा मुड़ मटका लो भैया, भैया शुद्ध आत्मा हो, कह हाँ भैया हम तो शुद्ध आत्मा है, भैया परमात्मा हो, हाँ भैया हम तो परमात्मा है, भैया सिद्ध समान हो, हाँ मैं तो सिद्ध समान ही हूँ, मुड़ मटका लो फिर। और अब भी आली कच्ची स्थिति बन जाए, बाहर में परिस्थिति बन जाए, फिर देखो आप पर्याय प्रणमन को बदलने की बात नहीं कर रहा है, बात ये कर रहा है कि तुम अपने आत्मा को भूल जाते हो, आत्मा की सुरत भूल जाते हो, आत्मा का सहकार भूल जाते हो, आत्मा की महिमा भूल जाते हो। और भैया इस प्रकार से आत्मा का सहकार, आत्मा की महिमा को भूल के इस जीव को दुर्गति में 84 लाख योनियों परिभ्रमण करा रहा है अनंत काल से। कौन जीव, कौन जीव भैया, कौन सा जीव? अरे जे ये जो बट्ठर चने की तरह बैठा हुआ है ना, जो सुन रहा है इसकी बात कर रहा है, आप और हम। गुरु महाराज कह रहे हैं, न उत्पत्ति न खेपति, सहज मुक्त स्वभाव तुम्हारे अंतर में है, सहज रमण करो, ज्ञान में आत्मशक्ति से अपने प्रकाशवान स्वभाव को उत्पन्न करो और आनंद में रहो, क्या दिक्कत है? कहना भैया कछु दिक्कत नहीं, तो रह का नहीं रहा आनंद में भैया। अरे भैया पक्का करे, घर पुत्र परिवार की सल लगी है, आ गई करता बुद्धि, सल लगी, आ गई चिंता है, काय की सल लगी है? जब एक एक समय का परिणाम अपनी तस समय की योग्यता से चल रहा है तो काय की सल लगी है? जो होना हुई है वो हुई है, जो होना हो रहा है वो होगा, फिर तुम्हें कल लेने देने, कछु नहीं लेने देने। तो फिर काय अपनी मुड़मुड़ा रहे हो भगवान जी, आत्मा की सुरत रखो, अज्ञान मानताओं को तोड़ो, क्या करें, ज्ञानम चा उमनम सुरम, बस तारण स्वामी की बात मान जा, क्या मान जाए, ये ज्ञान में स्वभाव अपना है, फिर आनंद में रहना है, क्या फिर कि ज्ञान में स्वभाव अपना है तो फिर बढ़िया आनंद में रहना है, ना सल ना चिंता ना भय ना कुछ। अरे भैया कुछ और तारायण स्वामी कुछ और तो सुना दो, उत्पन्नम तम, भाई ताकत लगाओ तुम थोड़ी सी, उत्पन्न करो क्या, ज्ञान अनंत ममलम, अरे अपना अनंत चतुष्टय से प्रकाशमान अनंत अनंत ज्ञान की आत्मा की जो शक्ति है, इस अनंत ज्ञान स्वभाव के आश्रय को उत्पन्न करो, चैतन्य ज्ञान स्वभाव के आश्रय को उत्पन्न करो, ममल ज्ञान स्वभाव ही आत्मा भी। तारण स्वामी काय उत्पन्न करें, हम तो बिना मतलब के कोई काम ही नहीं करते। उत्पन्नम कमम विलम, यदि तुम अपने चैतन्य स्वभाव को उत्पन्न कर लोगे, ममल ज्ञान स्वभाव की भावना को उत्पन्न कर लोगे, अनंत ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे, तो कर्मों का उत्पन्न होना बिला जाएगा, तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, कौन सा स्वार्थ, मोक्ष जाने का स्वार्थ प्रकट हो जाएगा। अनंत काल से आत्मा कर्मों के बंधन में बंधी है ना, इन कर्मों का आश्रय होना बिला जाएगा, सुनाई दिया कि नहीं भाई? अब थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, क्यों, स्वार्थ की बात आ गई ना, क्या स्वार्थ आ गया कि भाई कर्मों का आश्रय होना बिला जाएगा तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, और मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी तो क्या करने हैं, उत्पन्न करो, क्या उत्पन्न करें, तम ज्ञान अनंत ममलम, तुम ज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभावी ममल स्वभावी आत्मा हो,
तुम्हारा अनंत ज्ञान अनंतानंत है, अनंतानंत है, अनंतानंत है, ऐसे अनंतानंत 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 अपने ममले ममल ज्ञान स्वभाव का ज्ञायक भाव का आश्रय लो और अभ्याली आनंद से सारे कर्मों को छे होता हुआ देखो, ज्ञायक बन जाओ कि अपना तो इन पर पर्याय में कछु है ही नहीं। ये बड़ा कठिन है ये काम, ये देखो देखो कठिन लगने लगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, देखो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि संसार की रुचि नहीं छूट रही ना, मान मान के मरे जा रहे ये सारे मूर्ख प्राणी, और लेना देना कुछ भी नहीं है, धूर्त मूर्ख बने अज्ञानी। कछ समझ में आई कि ना भैया? जा बात तो समझ में ही नहीं आती। अभी देखो किसी मोड़ा मोड़ी की बात करो ना, इसका मोड़ा इसकी मोड़ी सब समझ में आती। रवि अली भोजन कथा की बात करो तो भूख लग जाएगी, स्त्री कथा की बात करो तो काम भाव उत्पन्न हो जाएगा, चोर कथा की बात करो तो भी कथा करने में तो रस आता ही, इसकी निंदा इसकी चुगली उसकी बुराई बढ़िया बढ़िया रस लेके सुनोगे, और राजनीति की बात करो तो इस समय तो आचार संहिता लगी हुई है ना, वाह ये प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर और पार्षद तक सारे विषय अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे रुचते हैं भाई। चारों प्रकार की भी कथाओं में ऐसा अमृत आनंद आता है जैसे कि बहुत संतुष्टि मिल रही हो। और यदि इससे बोलो भैया ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करो, तुम्हारा ज्ञान स्वभाव ज्ञायक स्वभाव ममल है, और अपने ममल ज्ञान ज्ञायक स्वभाव को उत्पन्न करोगे तो उत्पन्नम कम्मम विलम, तो इन सारे कर्मों का उत्पन्न होना विलीमान हो जाएगा। मानोगे कि नहीं? किनारे भैया बहुत कठिन है। देख लो भैया हमें नहीं पता, यदि इन कर्म बंधनों से छूटना है, इन कर्म बंधनों में आग लगाना है, इन कर्म बंधनों को अपने मन से जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तो क्या करना है? अपनी अंतर ज्ञान स्वभाव की शक्ति को जगा लेना है भगवान जी। और देखो 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 और देखो तारण स्वामी की बात, मुक्तम ज्ञान विशेष नंत ममलम, वो भुक्तम क्या कह रहे हैं? भुक्तम मतलब भुक्तम ज्ञान विशेष नंत ममलम, अरे जीवात्मा भोग करना है। अच्छा बताओ कौन कौन ने ये मिथ्या पर्व जैसे नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, कौन कौन ने देवों को भोग लगाया, कौन कौन भगवान को चावल और लौंग बादाम खिला रहा है, या फिर कौन कौन ने अभी कुदेव अदेवों को भोग लगाया, पता कौन कौन से भगवान को भोग लगाया? अरे चलो बाहर के भगवान को नहीं लगाया, ये भगवान बैठा हुआ है इस शरीर में, कौन ने इस भगवान को भोग लगाया, कौन कौन ने लगाया भोग? अरे कहना भैया रसगुल्ले और रसमलाई के भगवान को भी भोग लगा रहे हैं भगवान जी, बता भगवान भी खाने लगे तो फिर बेचारे इंसानों का क्या होगा? तो भैया कौन कौन ने भोग लगाया, काय काय का भोग लगाया, कौन ने लड्डू पेड़े प्रसाद क्या क्या चढ़ाया, जल्दी बता। कहना भैया हमने कछु नहीं करो। तो कुछ नहीं करो ना तो अपने भगवान आत्मा को भोग लगाया कि नहीं लगाया? कहना हमारा भगवान आत्मा तो अनाहारी है, हाँ वो बाहर का कचरा कूड़ा नहीं खाता भैया, राग देश कसाय विकार भाव को उत्पन्न करने वाला विकारी पुद्गल आश्रव हमारे भगवान आत्मा को पसंद नहीं है, तो भगवान आत्मा भोग लगाओ। देखो हमारी भाषा थोड़ी अलग है, आपको समझ में जरूर आएगी, भुक्तम ज्ञान भोग लगाओ जरा, भुक्ताओ भुक्त मतलब उपभोग करो, भोग उपभोग करो, काय का विशेषता से उपभोग करो, काय का भोग उपभोग करें भैया? अरे उपभोग करो अपने अनंत ज्ञान स्वभाव का, अपने सम्यक ज्ञान के सहकार के पूर्वक सम्यक ज्ञान की सहकारिता से ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके अनंत अनंत जो चतुष्टय में अपना ममल स्वभाव है ऐसे अनंत ज्ञान का उपभोग करो। काय गुरु महाराज हम अनंत ज्ञान का उपभोग करेंगे तो का होएगो? भुक्तस्य कम्मम विलम, अरे ज्ञानी को कर्मों का भुगतान करना विला जाता है, कहते हैं ना भैया हमने कर्म माने तो हमें भोगने पड़ेंगे, अरे अज्ञानी कर्मों का भोगता है, ज्ञानी कर्मों का भोगता नहीं होता, ना ज्ञानी कर्मों का कर्ता होता है, जब वो ज्ञानी कर्मों का कर्ता नहीं होता तो वो ज्ञानी कर्मों का भोगता भी नहीं होता। ज्ञानी को कर्म नहीं भोगने पड़ते, सर पे सीढ़ी जला दो या कमट पत्थर बरसा दे
या सिंहनी खा जाए या गर्म आभूषण पहना दिए जाए। ज्ञानी कर्मों को नहीं भोगता, ज्ञानी नहीं भोगता भाई। हम कर्मों को भोग रहे हैं मतलब हम अज्ञानी हैं। अब तो या तो आपको मुझ पर बहुत तेज गुस्सा आ रही होगी या तो ऐसा लग रहा होगा कि तारण स्वामी को तो भगवान बस आत्मा के आनंद के अलावा कोई बात ही नहीं है तारण स्वामी के पास। क्या कह रहा है? भुक्तम ज्ञान। अरे भोग करोगे ना। देखो ये लड्डू पेड़े खाने से तो शरीर भरेगा, शरीर का ये उधर भरा जाएगा, उधर पूर्ति हो जाएगी, लेकिन यदि आत्मा का भोग करोगे तो क्या भरेगा? कुछ कहो भैया, कोई तो कुछ कहो। वैसे आज कम लोग जो है 78, 79, 80 ठीक है आसपास है, लेकिन कुछ कोई तो कुछ कहो भगवान जी। भोग में इंद्रिय विषय भोग भोग में हमारी चेतना का नाश कर चुके हैं। चेतना का नाश कर चुके हैं मतलब जड़ भाव में लगे रहे और पंच इंद्रिय विषय भोग में अपनी परिणति डूबी रही भैया। मन के भोग में परिणति डूबी रही, अज्ञान की वासना में, अज्ञान विषय वासना में उपयोग लतपत रहा भैया, परभाषित होता रहा। लेकिन आज क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? ये जीवात्मा कल्याण करने का समय है। होनहार जाग गई है, काल लब्धि किलकिला रही है, देशन लब्धि मिल रही है, करण लब्धि परिणामों की निर्मलता सामने आके खड़ी हुई है। वो कह रही देर मत कर, क्या कर ले? तत्काल झटपट एक काम कर, अपने ज्ञायक भाव का भोग करना प्रारंभ कर दे कि मैं आत्मा तो अनंत ममल स्वभावी हूँ। आहा आहा आहा, जय हो जय हो जय हो, मैं आत्मा तो अनंत चतुष्टय में ममल स्वभावी हूँ। ऐसी अंतर से जय जय कार मचा, देख 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 तेरे अंतर में तेरा ज्ञान में ममल स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है, तू में है। यदि ऐसे अंतरात्मा का उपभोग करेगा तो कर्मों का भुगतान करना विला जाएगा और यह आत्मा इन 24 स्थानों से मुक्त होके जय जयकार करते हुए अपने शाश्वत सिद्ध पद वीतराग भाव को प्रकट करके और 3 लोक में प्रकाश करती हुई नजर आएगी भाई। अब बताओ भैया, तारण स्वामी को सुनना है नहीं सुनना? भैया बड़ा कठिन है, मतलब भैया गुरु महाराज को सुनना तो महाकठिन काम है भैया। देख लो भगवान जी, जब तक तारण स्वामी को सुनना कठिन काम लग रहा है, तारण स्वामी ने कौन सा 6 उपशम बांटा, कौन सी जानकारी दी? कोई जानकारी नहीं दी, सीधी आत्म क्रांति जगाई, सीधा आत्म अनुभव का सीधा सीधा उपदेश दिया, एकदम सीधी बात कही है। यदि आत्म स्वभाव का, ज्ञायक स्वभाव का उपभोग करेगा, ममल ज्ञान स्वभाव का उपभोग करेगा, कर्मों का कर्ता भोक्ता बना रहेगा, मरता रहेगा संसार में जीवात्मा, इन 24 स्थानों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अब तू खुद निर्णय कर ले कि तुझे कर्मों का कर्ता भोक्ता, इंद्रिय विषय वासना में, काम भोग विषय वासना में इनमें लगे रहना है, या आत्मा निरंजन स्वभावी ज्ञायक पद का स्वामी है अपने ज्ञान भाव में। इसी कारिका के अंतिम पंक्ति की ओर चलते हैं, इसी कलश का आखिरी आखिरी बिल्कुल लास्ट बिल्कुल चलते चलते विरिया का चलते चलते का प्रसाद। अरे अरे चलते चलते की विरिया, जल्दी बता कि ना भैया, क्या बताएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बिनंदम विलियम भैया, संसार में संसरण करने रूप, संसार की शरण रूप, अनादि काल से जो विकार परिणति बनी हुई है, विनंदम जो अनादि काल से जीव ने दुखों को भोग रखा है, अनादि काल से जिन दुखों में जीव पागल हुआ है, विलियम जल्दी बताओ। पहले भैया यदि बिलाना हो तो पूछो,
और नहीं तो कोई बात ही नहीं। संसारे सरियम, संसार की शरण अर्थात संसार में संसरण करने रूप अज्ञानता, संसार में संसार अज्ञान के कारण से जीव 84 लाख योनियों में संचरण कर रहा है। क्यों कर रहा है? अज्ञान के कारण। कब तक करेगा? अज्ञान रहेगा जब तक। और इस अज्ञान के कारण क्या हो रहा है? अज्ञान प्रमाण दुख विनंद दुखों को भोग रहा है। क्या करें? केले संसारे सरियम विनंद, संसार की शरण और दुखों का क्षय हो जाएगा। विनंद अर्थात बुला जाएंगे, सब बिलायमान हो जाएंगे। अज्ञान एक बार में नाश होगा तारा स्वामी, बता दो, सच्ची बात बता दो। क्या मानोगे कि नहीं? बता तो देंगे वो। तुम मानने के लिए तैयार हो तो बताए भैया। गुरु महाराज मान लेंगे तो सुनो ज्ञानम, पहले ये बात बताओ कि आत्मज्ञान है कि नहीं है, तत्व ज्ञान है कि नहीं है। पहले अच्छा तुम तो इतना बताओ कि तुम ज्ञान में स्वभाव के धारी हो कि नहीं। क्या गुरु इतनी पता होता तो मोक्ष नहीं चले जाते। क्या फिर नहीं है पता? अपने अनुभूति में जागृत करो, मैं ज्ञान में आत्मा हूं चा ऐसा ही स्वीकार करो। ज्ञानम चा, अरे ज्ञान ही आत्मा का बल है, ऐसा अंगीकार करो। मैं आत्मा ज्ञान स्वभाव ही हूं, इस बात की गहरी निष्ठा रखो। ज्ञानम स्वरम, और ये ज्ञान ही चारों ओर सूर्य के समान प्रकाशित होता हुआ लोक और अलोक को प्रकाशमान कर रहा है। हे जीवात्मा, ऐसे ज्ञान स्वभाव की सूरत तो अपनी आत्मा में जगा लो, तो क्या होगा? संसार की शरण और दुखों में आकुलता में परिभ्रमण, दोनों के दोनों नष्ट हो जाएंगे भैया। इतनी ताकत चाहिए, इतनी ताकत। और अज्ञानी जीवों में, मोही जीवों में, पापी जीवों में नहीं आएगी भैया। जो अज्ञान मोह में पर्याप्त है, जिनके मन वचन काय में आकुलता है, जो खुश रहना नहीं जानते, जो आनंद में रहना नहीं जानते, जिनके अंतर में आनंद ना हो, जिनके बाहर में उपद्रव हो, कसायों का ताता लगा हो, निंदा चुगली बुराई और परिणामों में चपलता हो, उन जीवों की दुर्गति तो निश्चित है भैया। क्या करना है? ज्ञान में, ज्ञान की ज्ञान गंगा में स्वयं आनंद पूर्वक स्नान करना है तो संसार में जन्म मरण और संसार के सारे दुख अपने आप विलयमान हो जाएंगे। ज्ञान स्वभाव इंद्रिय विषयों में डूबना छूट जाएगा। इंद्रिय विषयों से डुबकी से बाहर निकलोगे तो ज्ञायक स्वभाव में डूबना हो जाएगा। यदि इंद्रिय विषय वासनाओं में अज्ञान में डूबे रहोगे तो आत्मा में कभी नहीं डूब पाओगे जीवात्मा। उपयोग पर में लगा रहेगा तो फिर स्वभाव की अनुभूति नहीं करेगा, और यदि स्वभाव की अनुभूति करना है तो फिर पर पर्याय में आग लगानी पड़ेगी। कुरुमाज बड़ो कठिन मार्ग है ना, सम्यक ज्ञान रूप सूर्य को उदित करना, जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मानना, वो बड़ो कठिन काम है भैया। काय भैया, काय कठिन है, काय भैया, का चला करता वाणी मानुष और ये तन से भैया काया से निरंतर आश्रव का, पाप आश्रव का द्वार खुला रहता। हमेशा 5 पाप और 4 कसाय में ऐसी आत्मलीनता है। कि नहीं ज्ञानम चा, तो ज्ञान में है कि नहीं है? ज्ञान सरम, तू ज्ञान में नहीं तो जान कौन रहा है? दुनियादारी को जानने वाला कौन? अज्ञान। चलो भैया, कहना भैया अब क्या करें? बात तो बड़ी चोखी है, तारण स्वामी की बात तो बड़ी चोखी है भैया। 100 टंच सोना है तारण स्वामी की बात तो, प्योर एकदम 100%
100 कैरेट गोल्ड बाजार में भी 100 कैरेट मिलना बंद है, 99 कैरेट, उन्हें भी शंका है, स्वर्णकारों को भी शंका है कि 100 कैरेट नहीं लिख सकते। क्यों लिख सकते भैया? कहले भैया जी बात माँ, वहाँ वहाँ भी 100 कैरेट प्योर गोल्ड नहीं आ रहा, बिल्कुल 100 टंच। ए जी बात माँ, ऐसे ही अज्ञान संसार में स्वर्ण में अपना वीतराग उपयोग, शुद्ध उपयोग में आत्मा ममल ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये विश्वास नहीं हो रहा। ये 100 टंच, ये तारण स्वामी की अमृत वाणी, ये 100 टंच प्योर कैरेट अर्थात 100% प्योर अमृत है, जिनेन्द्र भगवान की मुखारविंद से खिरा हुआ, ये 100% कल्याण का शुद्ध मार्ग है भैया। यहाँ मिलावट जैसी कोई वस्तु नहीं है, मिलावट का यहाँ कोई काम नहीं है भैया। हे भगवान, चैतन्य का उपभोग करते ही कर्मों का उपभोग करना छूट जाएगा, क्या गजब की बात है। ज्ञान स्वभाव की प्रतीति सुरत आते ही संसार में संसरण, संसार के दुख भुला जाएंगे, कैसी अद्भुत बात है। ज्ञान स्वभाव के ममल स्वभाव के उत्पन्न होते ही कर्मों का उत्पन्न होना भिला जाएगा। अरे क्षणभंगुर, उत्पत्ति खिपति से अलग होके अपने मुक्त स्वभाव में रमण करो, ये ज्ञान में सूर्य ही केवल ज्ञान स्वभाव रूप प्रकाशित होगा। अरे तारण स्वामी, गजब महिमा गाई आपने आत्मा की, है ना, ऐसा अद्भुत 24 ठाणा, जहां हमने तो आध्यात्मिक 24 ठाणा में 24 स्थान का वर्णन तो है, लेकिन 24 स्थान के वर्णन से छूटने का वर्णन है, 24 स्थान का वर्णन नहीं। आत्मज्ञान की अद्भुत क्रांति है, क्या है, ये जीव इन 24 स्थान से कैसे मुक्त हो सकता है, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करी तारण स्वामी ने। तारण स्वामी की रुचि बिल्कुल भी क्षयोपशम बौद्धिक ज्ञान की नहीं थी, तारण स्वामी की रुचि एकदम आध्यात्मिक आत्म पावे। 52 मिनट हो गए हैं, 8 मिनट और यदि हमने चर्चा करी तो 8 मिनट और शेष, और यदि आपके भाव बढ़े तो पावे, तो तारण स्वामी का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा भाई, विशुद्ध भाव की वृद्धि हो। हुई कि नहीं? नहीं हुई। क्या करना है भैया बताओ तो, चलो गाथा का अर्थ पढ़ दें या पद पढ़ दें? पढ़ तो हम सब देंगे, आप 1 घंटे आप गुरु महाराज की नौकरी करने का मौका मिला है, हो तो सब जाएगा, लेकिन भगवान जी जल्दी बताओ करना क्या है। अपने छायिक भाव में रमण करते हुए, मुक्ति में विलास करते हुए, अनंत चतुष्टय स्वभाव को उत्पन्न करके इन कर्मों का भोग करना, से मुक्त होके अपने ज्ञायक स्वभाव को, ज्ञायक तत्व की प्रतीति को जगाना कि नहीं? जगाना तो बताओ, और नहीं जगाना हो तो अपन अर्थ पढ़ के पूरा करें। चलो जी अर्थ तो खोलो, पढ़ ही दें, अपने पास 7 मिनट हैं, इसका जस्ट बाद वाला पेज। तो अपनी अंतर आत्मा को उत्पन्न करने की साधना करना भाई। जीवात्मा देखो तो, तारण स्वामी जैसे अलौकिक संत, अलौकिक क्यों कहा भैया आपने, क्योंकि इन लोक में इनकी महिमा जानने वाले लोग बहुत कम हैं, हुए तो इस जन समुदाय के बीच में थे, लेकिन जन समुदाय तारण तरण की महिमा को जान नहीं पा रहा, उस समय तो जाना था 53 लाख कितने बहुत जीव हो गए थे भैया, 43 लाख। तो इस समय ये जीव इन तारण तरण देव की महिमा को पहचान नहीं पा रहा भाई, समय ऐसा है। तो अगला अपने को अपना जी हो क्या हो तो अगला पेज खोल देना अर्थ वाला। यदि अंतर में अपनी सूरत जगानी है तो काम बनाओ भैया, काम बनाना पड़ेगा। ओके,
कैसा काम बनाना पड़ेगा, निज हित को स्वीकार करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आ रही है सल्ला जी दी, आपकी आवाज कही है। देखो आप अन्यथा नहीं लेना, पर मेरे अंदर एक भाव आ रहा है कि छायिक भाव में रमण करने से मुक्ति की प्राप्ति। छायिक भाव तो कर्म की अपेक्षा से आता है ना, इसलिए मैं उस मतलब नियम सार की अपेक्षा से बात कर रही हूँ। तो उसमें जाने से अपना विभाग में आ जाएगा। हाँ, केवल ज्ञान की अपेक्षा जो अपने कारण सुख पर्याय में रमण करने से जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति पर्याय में होती है वो स्वचतुष्ट है। उत्पन्न होने पर पर्याय बाहर नहीं निकलती, वहां स्थिर हो जाती है, इसलिए अपन को मुक्ति का एहसास होता है। और उत्पन्न नहीं करना है, अपन को उसको प्रकट करना है। वो तो मेरे अंदर भरी है, ठसा ठस भरे हैं ये चीजें सब मेरे अंदर, पूरे गुणों की खान है वो। तो मैं थोड़ा सा ये अन्यथा नहीं लेना आप, पर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहती कि ये विभाव रूप कहा गया है चार भाव सम छम छाई भाव को, और यहाँ तक कि केवल क्या आपकी बात को हम आपको आपके शब्दों में समझा सकते हैं, समझा भी दे रहा है। चलिए, आप जो कह रहे हैं उत्पन्न का अर्थ ही होता है प्रकट, ठीक है। उत्पन्न शब्द का अर्थ ही प्रकट है, और अपने चर्चा यहीं से शुरू करी थी। उत्पत्ति खिपति, क्या कहा था, उत्पन्न तम खिपति, जिसका उदय नहीं होता और जिसका क्षय नहीं होता। तो शुरुआत होता है और छह होता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मुक्ति रमणम, और जो अनादि निरंतर मुक्त स्वभाव है उसमें रमण करने का नाम ही धर्म है। पहली बात तो अपनी शुरुआत यही हुई थी। और दूसरी बात, अब आपने जो प्रश्न किया है उसकी उसका अपन आंसर दे देते हैं। कि आपने ये प्रश्न किया है कि छयोपसम भाव, छायिक भाव और जो उपसम आदि भाव है, इनको भी आगम में सिर्फ कौन से ग्रंथों में, नियम सार जैसे या तारण स्वामी के ज्ञान समुच्चय सार जैसे ग्रंथों में, इन पर्यायों को भी कर्म सापेक्ष अवस्था को कह के या ज्ञान की पर्याय से भी जीव का संबंध नहीं है ऐसा कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, इस बात को समझना पड़ेगा कि जीव को जो छायिक भाव है किस अपेक्षा से कहा गया, अच्छे से समझो। छयोपसम भाव है, ये छायिक भाव छयोपसम भाव ये जीव की पर्याय में कब उत्पन्न होते हैं भैया, ये जीव के जब क्या बोलते हैं कर्मों के छयोपसम होने पे छयोपसम भाव प्रकट होता है, कर्मों के छय होने पे छायिक भाव प्रकट होता है। और उत्पत्ति में आ रही है, उत्पत्ति खिपति में आ रही, मतलब ये कर्मों के जाने से प्रकट होने वाली अवस्था है भैया। कर्मों के जाने के बाद प्रकट होने वाली अवस्था है, मतलब ये निरावरण तत्व नहीं है वर्तमान में। तो ये क्या है, वर्तमान में जीव जब कर्मों से मुक्त होगा तब उसको ये निरावरण भाव का वेदन होगा। छायक समय होंगे भैया, ये सब कब जागेगा जीव को, तो ये जब जागरण कब होगा, जब जीव के सारे कर्म अभी वर्तमान में छट जाएंगे। तो संबंध नहीं है, सम्यक दर्शन की पर्याय भी मुझे नहीं चाहिए, केवल ज्ञान की पर्याय भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि भैया जीव को वर्तमान में केवल ज्ञान स्वभाव का बोध कराना भैया। मतलब जीव को वर्तमान में क्या बोध कराना है, कि जीव को वर्तमान में शुद्धता का बोध कराना है। तो जब जीव को वर्तमान तो छायिक भाव छयोपसम भाव और केवल ज्ञान की पर्याय से भी तेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरा ध्रुव त्रिकाली आत्मा तो अनंत पर्याय को पी के बैठा है, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, अनंत रत्नात्रि की पर्याय,
ये मेरा ध्रुव स्वभाव पी के बैठा है, और जिस समय मैं अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय लूंगा तो केवल ज्ञान की, दर्शन की, ज्ञान की, चरित्र की सारी निर्मल पर्याय उसी के आश्रय से प्रकट होंगी। तो लेकिन ये बात जो कही गई है, ये बात परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने निश्चय ने की अपेक्षा से त्रिकाल शुद्ध ध्रुव स्वभाव के आश्रय के लिए कही गई है। लेकिन जब साधना की बात चलेगी, तत्व की साधना की बात चलेगी, जो अभी इस गाथा में चल रही है कि यदि तुझे संसार के कर्म बंधनों से छूटना है तो आत्मा ज्ञान में उभर जा, भगवान जी नौ छायक लब्धियों को प्रकट करो। भाई छायक भाव तो मेरा नहीं है, तो फिर अरे नौ छायक लब्धियां तेरा स्वभाव, अरिहंत दशा को पिकटाओ, केवल ज्ञान की दशा को पिकटाओ, अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय लो, इससे केवल ज्ञान की दशा पिकटेगी। तो भगवान जी आप एक किसी भी अपेक्षा से कथन किया जाए, किसी भी नय से कथन किया जाए और किसी भी ग्रंथ से कथन किया जाए, कथन इतना है उत्पन्नम तन ज्ञान नंत ममलम, कि उत्पन्न करो मतलब, उत्पन्न करो मतलब प्रेरणा दे रहा है, जागृति के लिए कह रहा है कि मैं आपसे कहूँगा तो यही कहूँगा ना, उत्पन्न, उत्पन्न शब्द का अर्थ है प्रकट करो, प्रकट करो, क्या प्रकट करो, अपने ममल ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट करो, ममल मतलब ममल, जहां ना मल थे ना है और ना होंगे, वो अविनाशी जो सत्ता है, उत्पन्न तम खिपति, जहां उत्पत्ति और खिपति नहीं है, सहज मुक्त स्वभाव की रमणता चल रही है, उसका आश्रय लो तो क्या होगा, कर्मों का उत्पन्न है। तारण स्वामी ग्रंथ उठा लो, बात तो एकदम सटीक है, लेकिन तारण स्वामी के ग्रंथों में सरल शब्दों में और सहज है, बहुत सरल है और बहुत विस्तार से एक ही चर्चा है, और कुंद कुंद जी की जो ग्रंथ प्रकृत भाषा में है, और वहाँ क्या बोलते हैं, विस्तार से चर्चा तो है लेकिन अध्यात्म के साथ आगम का भी बहुत मिलान है वहाँ, और यहाँ तारण स्वामी के ग्रंथों में आगम थे लेंगे ना, तो शिव भूति मुनिराज, हाँ तो वो जीव, वो शिव भूति मुनिराज बिना 11 अंग 14 पूर्व के पार्टी होने के बाद भी जैसे एक समय की आत्मानुभूति हुई, सदुपयोग में गए, द्वादशांग पार्टी हो गए, नमक कि यहाँ कल्याण की रुचि आगम की, आगम से ही होगी, क्यों, आगम मतलब आपकी वाणी, और आपकी वाणी मतलब मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, ये है आपकी वाणी। अब वो चाहे अपन कर्णानियों के करें, और जिन्हें पृथ्वानी योग की और चरणानी योग की रुचि है वो उस रूप से करें, भैया अपनी अपनी रुचि का आनंद है। तो आज का विषय अपना पूर्ण हो चुका है, आप नितिन भाई नाम बताने जरूरत नहीं, आवाज पहचान थे भाई, कहिए भैया जी। आज थोड़ा सा मतलब दृष्टि, मतलब कह रहे अनुभूति का ऐसा एहसास हो रहा था, तो खिपति मुक्त रमणम उत्पन्नम तम, तम है तारण स्वामी, थोड़ा मेरे को दिख नहीं, खिपति मुक्ति रमणम मतलब दोनों जगह उत्पन्नम लिखा है, इसका इसका मतलब जो मैं समझ पाया हूँ कि एक तो ये अनुभूति की बात है पहली बात, दूसरा ये शब्द में अर्थ की भी बात है, मतलब जब आप इसको पढ़ोगे तो आप कहेंगे ये संसार है, पर जब तारण स्वामी की उस समय की अवस्था से देखोगे, अपन उस समय की अवस्था में रख के अपने आप को देखेंगे, तो उत्पन्न
मतलब ये कह सकते कि उनको उत्पन्न हुई। तो ये आप ये यार इसको थोड़ा गहराई से समझ, ऐसा भी अर्थ अपन लेते हैं जब अपन ने पहली दूसरी तीसरी गाथा ली थी, जब अपने यही अर्थ लिया था अपन, आप दूसरी लाइन का ऐसा भी ले सकते हैं जैसे अपन ले पे। अच्छा आवाज नहीं आ रही हमारी साथ, हमारी आवाज नहीं आ रही, नहीं आपकी नहीं आ रही, मेरी आ रही है, आपकी तो आ रही है भैया जी की कट रही है थोड़ी सी, आपकी कट रही है भैया जी आज, तो पूरी चर्चा में कटी है क्या, किसी ने बोले नहीं अभी अभी लास्ट में चलिए हम ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी गाथाओं का अर्थ करा है जहाँ हमने ये अर्थ भी करा है कि उत्पन्न कि देखो उदित हो गया, अभी यहाँ इसका अर्थ ऐसा नहीं आ रहा था, बहुत सारे हमने पुरानी दो तीन गाथाओं में जब अर्थ करा था आपने ध्यान सुना होगा, देखो उदित हो गया तारण तरण देव कह रहे उदित हो गया, देखो अपने अंदर में प्रकाशित हो रहा है, अपनी चेतन ज्योति जल रही है, ये जो अर्थ है ये यहाँ इस वाली गाथा में नहीं निकल रहा, लेकिन बहुत सारी गाथा में तारण स्वामी का जो उत्पन्न शब्द है वो अपने अंतर के प्रकाश से, कि देखो मिल गया प्राप्त हो गया है, अंतर में जाग गया है, अंतर में सहकार हो गया, तो तारण स्वामी स्वयं का आनंद ले रहा है, अपने को लग रहा है कि अपने को समझा रहा है, वो स्वयं की स्वानुभूति में अपनी साधना कर रहा है, अनुभूति करके देखा भैया जी, हाँ मैंने आज इस चीज को अनुभूति करके देखा, और जो यहाँ चीज लिखी है सेम उधर भी गाथा में आ रहा है, उदेश सार में भी आ रहा है कि दर्शन मोहांध का जब वो अवस्था उत्पन्न होती है तो अपने आप केवली केवली जैसी फीलिंग आती है, मतलब बिल्कुल, जो बिल्कुल, केवल, वो अलग ही वही कह रहा है वही, और अभी जो बहन जी कह रही थी वो भी वही चीज कह रही थी शायद, हाँ वो भी वही बात कह रही है, विभाव पैगाम उसको दर्शाने की भाषा है कि विभाव होता है बस, विभाव मतलब उसको शब्दार्थिक रूप से बताओ कि उस समय विभाव अवस्था होती है, शुद्ध अवस्था वहां पहुंच जाती है, सहज बहुत सरल सा है, यही तो कह रहा है कि ये सब बहुत आसान है, जब आप उसको देखेंगे, आप अपने आप को उधर रख के देखेंगे, जब आप अनुभूति करेंगे तो अपने आप समझ में आएगी, माँ बुद्धि का कोई खेल ही नहीं, माँ नेह की कोई पकड़ी नहीं है, माँ तो सिर्फ जहाँ आनंद आना प्रारंभ होगा ना वहां कौन क्या कह रहा है वो सब खत्म, फिर उत्पन्न वो तो वो माँ मस्ती है, आनंद है, सुकून है, बस कुछ नहीं है, तो और उसको महसूस करें जब भी लोग पढ़े यहाँ पे, उसको महसूस करें, मतलब जब भी स्वाध्याय करें तो उस अवस्था को महसूस करें, तब बहुत आसान लगेगा। हाँ तारण स्वामी की जैसे ये वाली गाथा खुली, इसके अलावा प्रभाव, इसके अलावा पहले ओबन ना ओबन, देखो अंतर में जाग रहा है, तो तारण स्वामी की भाषा शैली बिल्कुल एकदम अंतर आत्मा में डुबाने वाली है भैया, और वो जो आनंद ले रहा है उसी को अपने को बता रहे हैं, और अपन भी उस आनंद में डूबे, समय की मर्यादा से हम 10 कितने मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऊपर है, इसलिए सभी लोगों से उत्तम क्षमा,